कुशीनगर के डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, डॉक्टर बिंद्रावती देवी शर्मा ने आज मोबाइल में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उनके मानसिक भावों का प्रश्न था कि मनुष्य का विदेश में मित्र कौन है, घर में मित्र कौन है, बीमारी में मित्र कौन है और मृत्यु के समय मित्र कौन है। इसका उत्तर नीति शास्त्र में चाणक्य ने बहुत अच्छा दिया है, विद्या मित्रम प्रवासेश भार्या मित्रम गृहेश जा व्याधि तस्सधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य जा। विद्या प्रवास काल में मनुष्य के साथ में मित्र का काम करती है। घर में गृहस्थ आश्रम में तुम्हारी स्त्री जो पत्नी है, भार्या है, वो मित्र का काम करती है। बीमारी के समय औषधि मित्र का काम करती है, लेकिन मृत्यु के समय ये सब मित्र पीछे छूट जाते हैं। यहाँ पर तुम जिसको दोस्त बनाते हो उसको चाणक्य ने इस श्रृंखला में लिया ही नहीं, जिसको तुम मित्र कहते हो। यहाँ चाणक्य कहते हैं विद्या तुम्हारा मित्र है, इसलिए विद्या अध्ययन कीजिए, क्योंकि विदेश में यदि कभी आप फंस गए या भटक गए तो विद्या ही तुम्हारा साथ देगी और विद्या ही तुमको मदद करेगी। तुम्हारी जो कलाएं हैं, तुम्हारी जो गुण हैं, तुम्हारी जो सीख है, वही तुमको वहाँ संकट से बचाएगी। और घर में यदि तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो तुम्हारे लिए मित्र का काम तुम्हारी पत्नी करती है। तुम बीमार होते हो, देख रेख करती है, संकट में होते हो, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती है। और वास्तव में देखा जाए तो स्त्री के लिए उसका पति मित्र है और पति के लिए उसकी पत्नी मित्र है, और दोनों को मित्र भाव से भी रहना चाहिए, सखा भाव से रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, ताकि संकट की घड़ियों में एक दूसरे को सहारा दे सके। व्याध तस्सधम मित्रम, और बीमारी के समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो औषधि तुम्हारा मित्र है, दवाई, इसलिए दवाइयों के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखिए, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में ज्ञान रखिए। छोटी छोटी दवाइयाँ भी बड़े भयंकर रोगों को आने से रोक देती हैं। आज मैं किसी सज्जन के द्वारा सुन रहा था खसखस और ताल मखाना, आधा गिलास दूध में दो चम्मच खसखस और मुट्ठी भर ताल मखाना, खौलाया हुआ दूध हो खूब ठीक से, उसमें शाम को डाल दीजिए और सोने से 20-25 मिनट पहले उसको पी लीजिए, बहुत गहरी नींद आएगी और बहुत सुंदर स्वास्थ्य रहेगा, माइंड भी तेज रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सीडेंट ये सब पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य को थोड़ा दवाइयों का ज्ञान भी रखना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाएँ, एलोपैथिक दवाएँ, होम्योपैथिक दवाएँ, और डॉक्टरों से सुझाव भी लेना चाहिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सी दवा कब काम करती है, कौन सी दवा लेना चाहिए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इस समय मित्र का काम काढ़ा कर रहा है, थोड़ी सी गिलोय ले लीजिए आप, करीब करीब 10-15 ग्राम या 20 ग्राम, 8-10 पत्ती तुलसी की ले लीजिए, थोड़ी सी अदरक इतनी ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें एक काली मिर्च, एक लौंग, एक इलायची भी डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, यदि आपको शुगर है तो गुड़ मत डालिए, और फिर इसको आप काढ़ा बना लीजिए। यदि और स्ट्रांग काढ़ा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल 1 ग्राम या 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए, फिर ये जो काढ़ा बनकर तैयार होगा, ये राम बाण भी है, लक्ष्मण बाण भी है, कृष्ण बाण भी है, और जो भी नाम धरो अमृत है, ये आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगा, स्टेमिना पावर बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और कोरोना जैसे वायरस का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है काढ़ा पियो, सोशल डिस्टेंस मत मानो, लॉकडाउन मत मानो, नहीं, नियम का पालन भी करना पड़ेगा, ये काढ़ा आपको फायदा करेगा। तो आइए, व्याधि तस्सधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य चा, और धर्म जो है मृत्यु के समय तुम्हारे मित्र का काम करता है, इसलिए धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए।
आप जीवन में बहुत से काम करते हैं, लेकिन याद रखना, धन कमाते हो तो छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो ये कमाया हुआ धन यहीं रह जाता, लेकिन उस धन से और अपने पवित्र कर्मों से, सेवा कार्यों से यदि तुम पुण्य कमाते हो, तो उस पुण्य प्रताप से याद रखना, वो जो धर्म इकट्ठा होता है वो मृत्यु के बाद ही जीवात्मा के साथ में मित्र के रूप में जाता है। इसलिए जीवन में धन भी कमाना, लेकिन धन से धर्म भी कमाना। पुण्य को ही धर्म कहते हैं, परोपकार को धर्म कहते हैं, सहयोग को धर्म कहते हैं, सेवा को धर्म कहते हैं। धर्म का भी बड़ा विस्तार रूप है। सदगुरु विशाल देव ने तो 29 प्रकार का धर्म बताया है। दान धर्म, सम्मान धर्म है, वचन हितैषी, गाय सहित विवेक सो रक्षा, जीवन निजपद छोड़े न जाए। दान करना भी धर्म है, दूसरों को सम्मान देना धर्म है, और विवेक पूर्वक जीवों की रक्षा करना भी धर्म है, और दया धर्म है, क्षमा धर्म है, भक्ति धर्म है, संतोष धर्म है, सहनशीलता धर्म है, वैराग्य धर्म है, संयम नियम धर्म है, स्वरूप ज्ञान धर्म है, स्वरूप स्थिति भी धर्म है, परस्पर प्रेम से रहना भी धर्म है, और इत्यादि प्रकार से उन्होंने धर्म बताया है। 29 लक्षण बताए इसके। मनु जी ने 10 प्रकार का धर्म बताया है। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। धृति यानी धैर्य, और क्षमा और विद्या, धृति क्षमा दमो स्तेयम, और मन को दमन करके रखना, अस्ते माने चोरी न करना, शौच माने पवित्र रहना, ये भी धर्म है। पवित्रता धर्म बताई गई है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को निग्रहित रखना, बस में रखना, धी विद्या सत्यम अक्रोधा, और प्रज्ञावान रहना, विवेक पूर्वक कार्य करना, और विद्या सत्यम, सत्य बोलना, सत्य की राह पर चलना, अक्रोधा क्रोध ना करना भी धर्म है। तो ये 10 धर्म, दशकम धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए, और यही धर्म जो है मृत्यु के बाद जीव के साथ में मित्र के रूप में जाता है। इसलिए धर्म की भी रक्षा करो और धर्म कमाइए। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा, कि संसार में सबसे बड़ा बल कौन है, और सबसे बड़ा जल कौन है, और सबसे बड़ा प्रकाश कौन है, और सबसे बड़ा प्रिय पदार्थ कौन है। तो चाणक्य ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है। नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चा आत्म समम बलम, नास्ति चक्ष समम तेजो, नास्ति चा अन्न समम प्रियम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। कितने नलकूप चला दो, कितने ट्यूबवेल चला दो, कितने हैंडपंप चला दो, कितनी नहरें निकाल दो, लेकिन पूरी धरती कभी जल से तृप्त नहीं होती। लेकिन बादलों से जब वर्षा होती है, पूरे विश्व की धरती तृप्त हो जाती है, और इतना तृप्त हो जाती है कि धरती से उल्टा पानी बाहर निकलने लगता है। तो मेघ के जल के समान कोई जल नहीं, और आत्म बल के समान कोई बल नहीं। आपके पास में धन बल है, जन बल है, शरीर बल है, सब कुछ है, सेना का बल, लेकिन आत्म बल सिर्फ नहीं, तो आप सफल नहीं हो सकते। एक छोटा सा राजा था, छोटी सी सेना थी, उसके पड़ोस में बड़ा राजा रहता था, उसके पास में बहुत बड़ी सेना थी। बड़े राजा ने एक छोटे राजा के पास में सूचना भेजी कि अपना राज्य मेरे राज्य में शामिल करो, अन्यथा युद्ध करो। छोटा राजा डर गया, उसने कहा युद्ध करेंगे तो मेरे छोटे सैनिक, थोड़े सैनिक, छोटा राज, ये सब मर जाएंगे, इसलिए शामिल ही कर देते। तो उसके सेनापति ने कहा कि बिना हार के हार मान लेना, ये वीरों का काम नहीं, बुद्धिमानों का काम नहीं, आप युद्ध कीजिए। अपने सेनापति के कहने से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई, बिगुल बज गया, सैनिक रेडी हो गए, सबास्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गए, लड़ने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे। वहां पर एक मंदिर था, तो उस मंदिर में एक साधु रहता था, पूजा पाठ करता था, इसलिए कभी कभी साधु भी हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। साधु की संगत करने से फायदा होता है, उसके शब्द काम कर जाते हैं। तो साधु ने कहा युद्ध करने के पहले मंदिर के देवता का आशीर्वाद भी ले लो।
तो सैनिकों ने और सेनापति ने और राजा ने कहा, हम क्या आशीर्वाद लें, हम लोग उतना पवित्र भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए आप ही आशीर्वाद ले लो। तो साधु अंदर गया और अंदर से थोड़ी देर के बाद बाहर निकला और कहा कि देवता ने कहा कि एक सिक्का मेरे पास है, इसको आकाश में फेंको, अगर ये सिक्का उल्टा गिरता है तो हार होगी इनकी और सीधा गिरता है तो इनकी जीत होगी। अब सिक्का आकाश में फेंका गया, सभी सैनिकों के प्राण पखेर उड़ गए कि देखो किधर को गिरता है, क्या दशा होने वाली है आज। सिक्का जब गिरा तो सीधा गिरा, सबने देखा, सब नाच उठे। उस साधु ने कहा, जीत तुम्हारी होगी, निसंदेह आप जाइए युद्ध कीजिए। सबका मनोबल बढ़ गया, आत्मबल बढ़ गया और युद्ध प्रारंभ होगा। 3 दिन युद्ध चला, बड़ा राजा हार गया, बड़े राजा की बड़ी सेना हार गई और ये छोटा राजा छोटी सेना जीत गई और जीत लेकर के वापस लौटे। तो राजा ने कहा कि मंदिर वाले देवता को धन्यवाद दे दिया जाए। तो साधु बैठा हंस रहा था, उसने कहा, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, आप जाइए। बोले, तो आपको धन्यवाद देते हैं। बोले, मुझे भी देने की जरूरत नहीं। बोले, तो जीत तो हुई आप लोगों की वजह से, देवता का आशीर्वाद से। तो उसने वही सिक्का दिखाया और कहा, देख लीजिए, ये सिक्का मैंने स्पेशल बनवाया है, ये दोनों तरफ सीधा उल्टा है ही, चाहे जिधर गिरे है सीधा ही रहता है। बोले, तो क्यों ऐसा बनवाया? बोले, ताकि आपका आत्मबल बढ़ जाए, क्योंकि मनुष्य की जीत सैन्य बल से नहीं, शरीर बल से नहीं, बुद्ध और ना तो धन बल जन बल से होती है, मनुष्य की जीत आत्मबल से मनोबल से होती है। इसलिए मैंने इस सिक्का को स्पेशल सीधा बनवाया हूँ दोनों तरफ, ताकि ये जब गिरे तो सीधा गिरे और देखने वालों का मनोबल बढ़े और उनकी जिंदगी की फील्ड में जीत हो सके। तो आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं, ऐसा चाणक्य कहते हैं। फिर चाणक्य बहुत अच्छी बात बताते हैं, कहते हैं कि आँख के समान कोई प्रकाश नहीं। आपके पास यदि आँख नहीं है, लाखों सूरज उदय हो जाए, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि आँख आपके पास ठीक है तो एक दीपक जला दो तो जहाँ तक उजाला होगा वहाँ तक सब रखा हुआ सामान दिखाई देगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं आँख के समान कोई प्रकाश नहीं। और चाणक्य ने फिर बताया कि नास्ति अन्न समम प्रियम, और अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं। आपके पास में गाड़ी खड़ी हो, हेलीकॉप्टर खड़ा हो, गद्दे रजाई खूब मच्छरदानी अच्छी अच्छी हो, लेकिन यदि आपके पास में जब भूख लगती है भोजन ना हो, रोटी दाल चावल सब्जी ना हो, मीठा नमकीन ना हो, दूध आदि खाने पीने फल फ्रूट ना हो, तो आप गाड़ी तो नहीं खा सकते, रजाई नहीं खा सकते, गद्दा नहीं खा सकते हैं, ना तो एयर कंडीशन का एसी खा सकते हैं। आप जब खाएंगे तो भोज्य पदार्थ ही खाएंगे। इसलिए अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं। आज मैंने सुना कि मुकेश अंबानी की जो भार्या हैं, पत्नी हैं, नीता अंबानी, वह लौकी की सब्जी रोज खाती है, जहाँ तक प्रयास करती हैं लौकी की सब्जी मिल जाए। तो उनसे किसी ने पूछा, आप लौकी की सब्जी रोज क्यों खाती? तो उन्होंने बताया, लौकी की सब्जी स्लिम होती है, यानी ये शरीर को मोटा नहीं होने देती, भारी नहीं होने देती है, फैट नहीं जमने देती है, वेट नहीं बढ़ने देती है, पेट नहीं निकलने देती है। और लौकी की सब्जी सबसे बड़ा काम ये करती है कि सुंदर बना कर रखती है। अब इसके बारे में किसी को पता ही नहीं, लौकी तो देहात में सब छत पर भी हो जाती है, इधर उधर जंगल बंगल में भी हो जाती है, खेतों में हो जाती है। लौकी की सब्जी आपके शरीर की सुंदरता को बरकरार रखती है। 70 साल की उम्र में भी आप 30 साल की दिखाई देंगे। इसलिए लौकी की सब्जी सबको खाना चाहिए, और रोज मिल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में 5 दिन खाइए लौकी की सब्जी। तो ये हरी सब्जियां भी हमको फायदा करती हैं। ये खाद्य पदार्थों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति च आत्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति च अन्न समम प्रियम, नास्ति च अन्न समम प्रियम। कि पक्षियों में चांडाल कौन है, पशुओं में चांडाल कौन है, ऋषि मुनियों में चांडाल कौन है और मनुष्यों में चांडाल कौन है? आपने चांडाल शब्द सुना होगा, लेकिन चांडाल कौन होता है ये पहचान नहीं जानते आप। तो चाणक्य कहते हैं, काका पक्षी से चांडाला, पक्षियों में चांडाल कौआ है। क्यों? क्योंकि इसको खीर पूड़ी खिला दो फिर भी बिष्ठा खाता है, इसको कितना अच्छा मिठाई खिला दो
लेकिन फिर भी ये कड़वा बोलता है। और ये जब आएगा डाल पर बैठेगा, आप नीचे बैठे हैं, आपके ऊपर बीट कर देगा। मतलब बेअकल का पंछी है ये, विवेक नहीं करता, इसलिए इसको चांडाल पंछी कहा गया है। और पशु नाम चय कुकरा, पशुओं में चांडाल कुत्ता है। कुत्ते को आप भोजन खिलाइए, दूध पिलाइए, फिर भी गंदी चीज़ खाने के लिए पहुंच जाता है। और कुत्ते को कितना समझाइए, कितनी अच्छी संगत में रखिए, लेकिन कुत्ता कभी भी संयम नियम से रहता नहीं, और कुत्ता कभी भी विवेक नहीं करता है। अनावश्यक कभी कभी भौंकता भी है, और कभी कभी तो अपने मालिक के ही काट लेता है कुत्ता, इतना ये खतरनाक है कुत्ता। अब इस कुत्ते को चांडाल कहा गया है। अब तीसरा चांडाल कौन है? पापो मुनि नाम चांडाला। ऋषि मुनियों के बीच में चांडाल पाप है। जब पाप के विचार किसी ऋषि मुनि के मन के अंदर आते हैं, तब वो ऋषि मुनि चांडाल का रूप धारण कर लेता है। इसलिए ऋषि मुनि को मन अपना बहुत पवित्र रखना चाहिए, और पाप के विचार उसके अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि पाप उसको चांडाल बना देता है। चौथा पूछा गया, मनुष्यों में चांडाल कौन है? सर्वे साम चैव निंदका। मनुष्यों में वह चांडाल है जो सबकी निंदा करता घूमता रहता, प्रपंच करता घूमता रहता, दूसरों को बुराई करता रहता है, किसी का गुणगान करता ही नहीं, किसी का अच्छाई उसको दिखाई ही नहीं देती, हमेशा वो दूसरों की बुराई देखता रहता है, तो उसको भी चांडाल कहा गया है कि ये चांडाल व्यक्ति है। मनुष्यों में चांडाल निंदक है, इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए किसी की, क्योंकि किसकी किसकी निंदा करोगे, लोगों की बुराई लोगों के पास में है। अपन निंदा करके अपना अमूल्य समय बर्बाद होता है, अपनी वाणी भी प्रदूषित होती है, और जिसकी निंदा आप कर रहे हैं वो सुनता है तो अपना दुश्मन भी बन जाता है, तो बवाल में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, इतना समझ लेना चाहिए कौन गलत आदमी कौन सही आदमी है, उसको समझ करके अपने विचार पूर्वक काम करना चाहिए। का कह पक्षी सुचांडाला, पशु नाम चय कुक्कुरा, पापो मुनि नाम चांडाला, सर्वे साम चैव निंदकः। निंदक मनुष्यों में चांडाल होता है, पाप ऋषि मुनियों के बीच में चांडाल का काम करता है, पशुओं में चांडाल कुत्ता है, पंछियों में चांडाल कौवा है। अगला प्रश्न है, भ्रमण करने से घूमने से किसका विनाश हो जाता है, किसका सम्मान बढ़ जाता है, किसकी पूजा अधिक होती है, और किसका आदर होता है, और किसको भ्रमण करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। भ्रमण करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। भ्रमण संपूज्यते योगी, भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते दुजा भ्रमन्ति स्त्री विनश्यति ही। भ्रमण संपूज्यते राजा, जो राजा भ्रमण करता है, अर्थात जो मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में जाकर कार्यक्रम करता है, वहाँ जनता की दुख सुख सुनता है, समस्याएं सुनता है, तो कहते हैं भ्रमण संपूज्यते राजा, उसकी पूजा होती है, लोग को माला पहनाते हैं, जय जयकार करते हैं। और यदि वो राजधानी में ही बैठा रहेगा, कोई उसकी जय जयकार करने वाला नहीं। इसलिए राजा अपने देश में अपने राज्य में जितना भ्रमण करता है, देख रेख करता है, समस्याओं का समाधान करता है, जनता से मिलता जुलता है, उतना उसका सम्मान ज़्यादा होता है। भ्रमण संपूज्यते दुजा। और ब्राह्मण जो संस्कारी ब्राह्मण है, ये कबाड़ी ब्राह्मण नहीं जिनके संस्कार सब भ्रष्ट है, जो दुज कहते हैं जिसके दो जन्म हुए, शरीर का जन्म और संस्कार का जन्म, वो दुज कहलाता है, और वही वास्तव में शुद्ध ब्राह्मण होता है। तो ऐसा ब्राह्मण जो दुज है, संस्कारी ब्राह्मण है, वो जब जनता के बीच में भ्रमण करता है, गांव-गांव में जाकर के कथा सत्संग करता है, तो उसकी भी पूजा होती है। भ्रमण संपूज्यते योगी, योगी यानी संत महात्मा, जो साधु संत है, यदि वो भ्रमण करता है तो उसकी भी पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, और उसका बहुत मानदान यश कीर्ति बढ़ती है। लेकिन भ्रमन्ति स्त्री विनश्यति, अगर स्त्री भ्रमण करती है, इधर से उधर घूमती है, तो विनष्ट गति को प्राप्त होती है, अर्थात स्त्री की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि बिगड़े हुए जमाने में उसको बचाना ही मुश्किल है, और फिर कहीं ना कहीं उसके साथ में लोग डिस्टर्ब करेंगे,
और उसके चरित्र की सुरक्षा होना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए स्त्री को कभी अकेले इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, अपने पति के साथ जाना चाहिए यदि कहीं आवश्यकता है, अन्यथा जो अपना आवश्यक कार्य है उसको कर्तव्य समझ करके पूरा कीजिए और आपका उससे कल्याण होगा। भ्रमंसं पूज्यते राजा, भ्रमंसं पूज्यते दुजः, भ्रमंसं पूज्यते योगी, भ्रमन्ति स्त्री विनश्यति, भ्रमन्ति स्त्री विनश्यति। ये चाणक्य ने ऐसा कहा है।